Hello and welcome guys. Today we will study class 9th English, chapter 5 of Moments, named as The Happy Prince, written by Oscar Wilde. Friends, this is a very interesting story. तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. फ्रेंड्स, यहाँ पे स्पेशली दो मेजर करेक्टर हैं. फर्स्ट हैप्पी प्रिंस एंड सेकेंड अबाबिल पंछी, दैट इज स्वेलो बर्ड. ओके, तो आइए वन बाय वन, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को समझते हैं. व्हाट इज द ओवरव्यू, व्हाट इज द समरी ऑफ द लेसन, इसको समझने की कोशिश करते हैं. देखिए, सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट पे फोकस करते हैं. देयर स्टूड द स्टैच्यू ऑफ हैप्पी प्रिंस ऑन ए टॉल कॉलम इन द सिटी. मतलब सिटी में जो है एक बहुत ही ऊंची कॉलम थी, उसके ऊपर एक मूर्ति को बैठा दिया गया था. एक मूर्ति वहां पर स्थापित कर दी गई थी. वो मूर्ति किसकी थी? हैप्पी प्रिंस की थी. ओके, ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर. मतलब जो हैप्पी प्रिंस की स्टैच्यू थी, जो मूर्ति थी, उसके पूरे बॉडी पर जो है गोल्ड लीव्स थी, सोने की पत्तियां से वह पूरा जड़ित था. पूरे शरीर पर सोने की पत्तियां जड़ी हुई थी. ही हैड टू ब्राइट सेफायर्स, और उस आंखों की जगह उस मूर्ति में, हैप्पी प्रिंस की मूर्ति में दो सेफायर्स थे. सेफायर मतलब नीले रंग की मड़ी लगी हुई थी, नील मड़ी लगी हुई थी. एंड अ लार्ज रूबी ग्लोड ऑन हिज सोल्ड हिल्ट, और साथ ही साथ उसने जो तलवार पकड़ रखा था, उस तलवार के मूठ पर, हिल्ट पर एक मड़ी जड़ी हुई थी. दैट इज क्या था? रूबी था. रूबी कहां पर लगा हुआ था? तलवार के मूठ पर. ओके, और सेफायर्स कहां पे थे? उसकी दोनों आंखों में. और पूरा जो बॉडी था वह गिल्डेड ओवर बाय गोल्ड लीव्स. ओके, दूसरा पॉइंट देखते हैं. अ लिटिल स्वेलो केम. देखिए, ठंड का समय आने वाला था, तो जो लिटिल स्वेलो थे, उसके जो फैमिली मेंबर्स थे, वह ऑलरेडी इजिप्ट जा चुके थे. और ये जो लिटिल स्वेलो है वह पीछे रह गया था. अब ये भी जल्दी जल्दी उड़ करके इजिप्ट जाना चाह रहा है, मिस्र जाना चाह रहा है, क्योंकि इसके फैमिली मेंबर ऑलरेडी जा चुके हैं. इनको अंदाजा लग गया है कि ठंड आने वाली है, और ठंड में अपने आप बॉडी को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे यहाँ पर, और हमारी मृत्यु हो जाएगी. दैट्स वाई टू सेव देयर लाइफ एवरी मेंबर ऑफ द लिटिल स्वेलो फैमिली स्टार्टेड टू मूव आर मूव टूवर्ड्स इजिप्ट 6 months बिफोर. ओके, अ लिटिल स्वेलो केम एंड सेट ऑन द स्टैचू. चूंकि ये भी उड़ते उड़ते आ रहा था, इसका भी प्लानिंग था कि मैं इजिप्ट जाऊंगा अपने परिवार वालों के साथ, अदरवाइज मैं भी यहाँ पर ठंड के मारे मर जाऊंगा. तो इसको ऑलरेडी लेट हो चुका था, तो उड़ते 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 थक गया. तो एक बड़ा सा टॉल कलम देखा, ऊंचा कलम देखा, वहाँ पर मूर्ति थी. सोचा कि यहाँ थोड़ा सा बैठ के थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ. ओके, अ लिटिल स्वेलो केम एंड सेट ऑन द स्टैचू. स्टैचू पर बैठ गया, स्टैचू के इधर नीचे था वो टॉल कलम पे. बट एज द स्वेलो वॉज गोइंग टू स्लीप, थोड़ा थक गया था, सोचा कि मैं थोड़ा सा आराम करूँ. जैसे सोने गया, और तुरंत क्या हुआ? अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम. उसके ऊपर अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर गिरा, उसके ऊपर पानी की बड़ी बूंद गिरी. द स्वेलो वॉज अमेज सरप्राइज्ड एज देयर वॉज नो क्लाउड इन द स्काई. कि स्काई में तनिक भी काले बादल नहीं दिखाई दे रहे, एक भी काले बादल नहीं दिखाई दे रहे. ये बारिश की बूंदें गिरी तो गिरी कहाँ से? ही वॉज एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड. फिर थोड़ा सा हो गया, हटाओ, कोई दिक्कत नहीं. फिर ऐसे आँख बंद करता, फिर टप से एक बड़ी बूंद गिरती है. फिर अब सोचता कहाँ से गिरा भाई, कहाँ से, कहीं नहीं समझ में आया. फिर एक टप से गिरता है. जब तीसरी बार जब गिरता है, तो देखता है कि ये तो हैप्पी प्रिंस जो है वो रो रहा है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, वो आंसू ही मेरे ऊपर पड़ रहे हैं. ओके, द स्टैचू स्पोक टू द स्वेलो, और उस स्टैचू, वह स्टैचू बोल भी रहा था. वह स्टैचू जो एक छोटे से लिटिल बर्ड स्वेलो से बोलता है कि वेन ही वॉज अलाइव, जब मैं जिंदा था, हैप्पी प्रिंस की जो मूर्ति है, स्टैचू, वह क्या बता रहा है कि वेन आई वॉज अलाइव, जब मैं जिंदा था. ओके, तो आई नेवर न्यू, मुझे कभी भी पता नहीं चला व्हाट टीयर्स वर, कि आंसू क्या होते हैं. मतलब मैं हमेशा खुश रहता था, इस वजह से लोग मेरे को हैप्पी प्रिंस के नाम से जानते थे. महल में मुझे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं था. मैं जानता ही नहीं था कि आंसू क्या होते हैं, है ना. सब लोग मेरे को हैप्पी प्रिंस करके बुलाया करते थे. ही सा द मिजरीज ऑफ द पीपल विच मेड हिम वीप, और यहाँ पर मुझे एक मूर्ति बना करके स्थापित कर दिया गया, तो यहाँ ऊंचे स्थान से जो है मैं पूरे शहर को ऑब्जर्व करता हूँ, और लोगों के कष्ट को देखता हूँ, उनके मिजरी कंडीशन को देखता हूँ, और मैं दुखित हो जाता हूँ. ओके,
और दुखी हो जाता हूँ, उनको देख करके मैं रो पड़ता हूँ। द हैप्पी प्रिंस टोल्ड द स्वेलो दैट, अब देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जो ब्लू मार्कर से जो ब्लू वर्ड्स लिखे हैं वो ध्यान दीजिएगा। तो जिनको उसके बॉडी के जो डिफरेंट वैल्यूएबल थिंग्स है, जिनको जिनको दिया गया है, उनका मैंने जो है यहाँ पर ब्लू मार्कर से यूज किया है, वर्ड लिखा है। और साथ ही साथ यहाँ जो मैंने रेड मार्कर यूज किया है, उसका मतलब ये है कि बॉडी के जो उसके डिफरेंट वैल्यूएबल पार्ट्स हुआ, किसको किसको दिए गए। मतलब जैसे यहाँ आप देखिए, जैसे रूबी किसको दिया गया, सीमेस्ट्रेस को दिया गया, सेफायर्स किसको दिया गया, प्ले राइटर को दिया गया, दूसरा सेफायर किसको दिया गया, इलेक्ट्रिक गर्ल को। तो यहाँ पर मैंने इस चीज़ को इंडिकेट कर दिया है कलर चेंज करके। आइए देखते हैं, द हैप्पी प्रिंस टोल्ड द स्वेलो दैट देयर लिव्ड अ सीमेस्ट्रेस, सी वाज एम्ब्रॉयडरिंग अ गाउन फॉर द क्वींस मेड फॉर ऑफ ऑनर। मतलब वह काफ़ी ऊंचाई पर जो कि उसकी मूर्ति स्थित है, बोल रहा है कि मैं यहाँ से एक दर्जिन को देख रहा हूँ, सीमिस्ट्रेस को देख रहा हूँ, एक दर्जिन को देख रहा हूँ जो कि क्या कर रही है, एम्ब्रॉयडरिंग कर रही है, कढ़ाई बुनाई का काम कर रही है, कढ़ाई कर रही है किसके ऊपर, गाउन पर। और गाउन किसका है, रानी की जो दासियाँ हैं, माने रानी की सुंदर दासियों में जो सबसे सुंदर दासी है, उस दासी की गाउन पर यह क्या कर रही है, कढ़ाई कर रही है। कौन, सीमिस्ट्रेस, दर्जिन। ओके, और इन द बेड देयर ले इल हर लिटिल बॉय, और बिस्तर पे जो है उसका जो है बच्चा जो कि बीमार है, वह पड़ा हुआ है, वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन इसको अगले दिन उस गाउन को देना जरूरी है, क्योंकि उसको पहन करके वो दासी क्या करेगी, नृत्य करेगी, और उसके लिए कंपल्सरी है देना। एनी हाउ बच्चे को एक तरफ करके बेचारी काम कर रही है, दुखी है। ओके, तो ही आस्क्ड द स्वेलो, तो उसकी इस मिजरेबल कंडीशन को देख करके हैप्पी प्रिंस दुखी हो जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है स्वेलो से कि तुम ऐसा करो, टू पिक द रूबी फ्रॉम हिज सोल्ड हेड, मेरे तलवार के मुंड पर जो रूबी लगी हुई है उसको तुम उठा लो और ले जाकर के उस दर्जिन को दे दो, ताकि उसको बेच करके वो अपने बच्चे का इलाज कर सके और अपनी गरीबी को मिटा सके। एंड गिव टू द वुमन, जाकर के उस औरत को दे आओ। द स्वेलो फ्लू टू द वुमन्स हाउस, है ना, उड़ करके उसको उठाया, मुठ में से निकाला, है ना, और उसको चोच में ले करके उड़ते उड़ते कहाँ गया, सीमिस्ट्रेस के घर तक पहुँचा। एंड पुट द रूबी नियर द वुमन्स थिम्बल, वुमन्स द थिम्बल मीन्स जैसे जो दर्जिन लोग होती हैं हाथ से जब सिलाई कढ़ाई करती हैं तो सुई को चुभाने के लिए वो क्या करती है, यहाँ पर स्टील का एक कैप पहन लेती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, थिम्बल बोलते हैं। उस थिम्बल के द्वारा इस तरह से पुश कर करके वो सिलाई करती हैं जल्दी जल्दी, ठीक है, ताकि उनके मसल्स जो है यहाँ के डैमेज ना होने पाए। ओके, तो उसको हम थिम्बल बोलते हैं। तो ये उड़ करके गया, उस रूबी को जो है वुमन्स के थिम्बल के पास में छोड़ आया, ही फैंड, और उसके बाद जैसे वो छोड़ करके आया, चूँकि अबाबिल भी जो स्वेलो जो था वो भी काइंड हार्टेड था, है ना, दयालु पंछी था, तो उसने क्या किया, अपने पंखों से हवा कर दिया उस बच्चे को। ही फैंड द बॉयज फोरहेड, उसके माथे पर जो है हवा कर दिया, और जिसके वजह से वो बच्चा क्या है, पहले से बेटर महसूस कर रहा था, उसको अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, फिर वह जब आया तो अबाबिल पंछी उड़ते उड़ते आया, बोला कि मैंने आपका काम कर दिया है, अब मैं इजिप्ट जाना चाहता हूँ, गुड बाय। लेकिन हैप्पी प्रिंस ने क्या कहा, द हैप्पी प्रिंस टोल्ड द स्वेलो कि अभी मत जाओ, एक दिन और रुक जाओ, प्लीज मत जाओ। देखो, टू प्लक वन सेफायर फ्रॉम हिज आईज, मतलब मेरी आंखों में जो सेफायर्स हैं, है ना, उसको तुम एक निकाल लो और निकाल कर ले जाकर किसको दे दो, प्लेराइट को दे दो। प्लेराइट मतलब एक नाटककार है, उसको दे दो, है ना। मैं देख रहा हूँ कि वो प्लेराइट बहुत दुखी है, कैसे दुखी है, देखिए, ही वॉज ट्राइंग टू फिनिश द प्ले, वो अपनी नाटक को फिनिश करने के लिए कोशिश कर रहा है, बट ही कुड नॉट ड्यू टू कोल्ड एंड हंगर, चूँकि वह उसमें बहुत ठंड पड़ रही है और साथ ही साथ बेचारा भूखा है, भूख के मारे और ठंड के वजह से वह अपनी नाटक को पूरा नहीं कर पा रहा है। यदि तुम इस सेफायर को ले जाकर दे दोगे तो उसको बेच करके वह क्या करेगा कि ठंड से बचने के लिए ऊनी कपड़े खरीदेगा और प्रॉपर भोजन लेगा, ताकि आराम से बैठ करके अपने वो नाटक को पूरा कर सके। द स्वेलो डिड एज डायरेक्टेड, जैसा हैप्पी प्रिंस ने उसको सजेस्ट किया था, डायरेक्शन दिया, तो वैसा वो किया, ले जा करके उसके पास जो है वन सेफायर छोड़ के आ जाता है। द स्वेलो टोल्ड द हैप्पी प्रिंस दैट ही हैड कम टू
हिम टू बिड हिम गुड बाय। अब मैं जा रहा हूँ, मैं आपको गुड बाय बोल रहा हूँ, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो गया हूँ, प्लीज़ मेरे को अब मत रोकना, ओके। बट द हैप्पी प्रिंस आस्क्ड हिम टू स्टे वन मोर नाइट, प्लीज मेरे खातिर एक रात और रुक जाओ, ओके। अब आगे देखते हैं, द हैप्पी प्रिंस द स्वेलो, द हैप्पी प्रिंस द स्वेलो मीन सेड टू द स्वेलो टू प्लग द सेफायर, द हैप्पी प्रिंस सेड, ओके सेड टू द स्वेलो, ओके स्टूडेंट, ओके फ्रेंड, यहाँ पर क्या होगा, सेड सेड टू द स्वेलो टू प्लग आउट द सेकेंड सेफायर, मतलब जो दूसरा जो आँख में जो सेफायर है उसको क्या करो तुम वहाँ से निकाल लो एंड गिव टू द लिटिल गर्ल, और ले जा करके उस लिटिल गर्ल को दे दो। हर मैचेज हैड फॉलन इन टू द गटर, और वह अपने जो माचिस थे माचिस को ले करके जा रही थी, उसके सारे के सारे माचिस जो है गटर में गिर गए। उस बच्ची को ले जाकर दे दो, छोटी सी बच्ची को ले जाकर के ये जो सेकेंड मेरा से फायर है आँख वाला उसको ले जाकर के दे दो। हर फादर वुड बीट हर इफ सी डिड नॉट ब्रिंग होम सम मनी, और यदि वो बच्ची अपने घर कुछ भी पैसा लेके नहीं जाती है तो उसके फादर उसको जो है क्रूएली बीट करेंगे। इस वजह से प्लीज उस बच्ची को मार मत खाने दो, ये जो सेकेंड मेरी सेफायर है उसको ले लो और ले जाकर उस बच्ची को दे दो, ओके। क्योंकि बच्ची मैच बॉक्स बेचने जा रही थी और अनफॉर्चुनेटली जो है गटर में गिर गया तो पूरा गीला हो गया, अब कौन खरीदेगा। अब उसके बदले बेचारी पैसा नहीं ले जा पा रही थी, इस वजह से बैठ करके रो रही थी कि मैं घर कैसे जाऊँ कैसे जाऊँ, मेरे फादर मेरे को बीट करेंगे। तो उसकी इस दयनीय स्थिति को देख करके है ना वो हैप्पी प्रिंस दुखी हो जाता है और रिक्वेस्ट करता है कि जो मेरी दूसरी आँख है सेफायर उसको भी निकाल लो, ले जाकर लिटिल गर्ल को दे दो। द स्वेलो डिड एज ही वॉज टोल्ड, जैसा कि उसको सजेस्ट किया गया, डायरेक्ट किया गया था भाई हैप्पी प्रिंस, स्वेलो ने उसकी बात को माना और ले जाकर लिटिल गर्ल को दे दिया। द स्वेलो फ्लू टू द हैप्पी प्रिंस, अब उसके बाद उड़ते उड़ते हैप्पी प्रिंस के पास आया एंड टोल्ड हिम दैट ही वुड लीव विथ हिम, और बोला कि अब मैं तुमको छोड़ के नहीं जाऊँगा, अब मैं आपके पास ही रहूँगा क्योंकि आपने अपनी दोनों आँखें निकाल दिया तो अब देखोगे कैसे। इसलिए बोला मैं आपके पास नहीं रहूँगा, अब उड़ के कहीं नहीं जाऊँगा जो भी हो जाए। ही आस्क्ड द स्वेलो टू फ्लाई ओवर द सिटी एंड टेल हिम व्हाट ही सॉ, है ना। और फिर उससे रिक्वेस्ट किया, ठीक है बहुत अच्छी बात है, कम से कम मेरी आँख नहीं तो तुम मेरी आँख बन करके मेरे पास रहो। और बोला कि एक और काम करो, थोड़ा सा ऊपर उड़ो, मेरी स्टेच्यू से ऊपर उड़ो और ओवर द सिटी देखो कि शहर में हो क्या रहा है और मेरे को बतलाओ। द स्वेलो टोल्ड हिम दैट ही सा ह्यूमन सफरिंग, स्वेलो पंछी बोलता है कि मैं देख रहा हूँ सिटी के जो लोग हैं बहुत ही सफर्ड हैं, बहुत ही पीड़ित हैं। ही सा मेनी पुअर पीपल, उसने बहुत गरीब व्यक्तियों को देखा, बच्चों को देखा और उनकी दयनीय स्थिति को जो हैप्पी प्रिंस को बताता है। तो द हैप्पी प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो, स्वेलो से कहा टू प्लक द गोल्ड लीव्स ऑन हिज बॉडी, मतलब उसकी बॉडी पर जो भी गोल्ड लीव्स है ना उसको तुम क्या करो अपने चोंच से वन बाय वन करके नोज डालो निकाल डालो और ले जाकर उन गरीब बच्चों को गरीब लोगों को दे दो। एंड गिव दीज टू देम द पुअर नाउ लाव्ड एंड द चिल्ड्रेन प्लेन, मतलब जैसे ही उन लोगों ने जैसा इसने बोला उसने क्या किया अपने चोंच से एक एक गोल्ड लिप्स को निकाल डाला और ले जाकर के पुअर पीपल को दे दिया, है ना। तो पुअर बच्चों बच्चे जो थे पुअर जो पीपल थे वह जब इसको पाए तो बहुत ही खुश हो गए, खेलने लगे इंजॉय करने लगे, गॉड को धन्यवाद बोलने लगे। देन देयर केम द स्नो, मतलब चूंकि ठंड का समय आते जा रहा था तो क्या हुआ बर्फ गिरने लगा और साथ ही साथ कोहरा पड़ने लगा। द स्वेलो कुड नॉट कीप वार्म, और वो छोटा पंछी जो था अपने आप को गर्म नहीं रख पाया एंड फेल्ट दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, और उसको ऐसा लगा कि अब मैं मरने जा रहा हूँ, मेरी बहुत जल्दी मृत्यु हो जाएगी। द हैप्पी प्रिंस सेड दैट ही वॉज गोइंग टू हिज फ्रेंड्स इन इजिप्ट, मतलब वो बोला फिर उसके बाद उसको लगने लगा कि अब मैं बचूंगा नहीं। तो स्वेलो जो था वह हैप्पी प्रिंस से बोलता है कि मुझे अपनी हाथ को चूम लेने दो। तो हैप्पी प्रिंस को लगा कि ये जा रहा है ना, तो साथ मेरी हाथ को चूम करके जा रहा है, लेकिन वो पंछी बोलता है कि नहीं अब मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ बल्कि मृत्यु के दरवाजे जा रहा हूँ, यमराज के पास जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू डाई। बट द स्वेलो टोल्ड दैट ही वॉज गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ एंड ही फेल डाउन डेड, और इनफैक्ट वह जो है वहीं पर गिर पड़ा, अब क्या कहते हैं हैप्पी प्रिंस के चरणों पर गिर पड़ा और वहीं पर इसकी डेथ हो गई ड्यू टू फ्रॉस्ट एंड स्नो ड्यू टू कोल्डनेस, ओके। एट दैट मोमेंट देयर अपीयर्ड अ क्रैक इनसाइड द स्टैच्यू, चूंकि स्टैच्यू का जो दिल था वह शीशे का बना हुआ था, और उसी समय जब स्वेलो बर्ड की डेथ हो गई तो ये इतना ज़्यादा दुखी हुआ कि इसका जो दिल था वह दो टुकड़ों में बट गया, स्प्लिट कर गया।
द हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस गॉट इनटू टू एंड द स्वेलो ले एट हिज फीट, और जो है स्वेलो जो पंछी था उसके पैरों में मरा हुआ था और उसका दिल जो है शीशे का जो दिल था वह क्रैक हो गया था दो पार्ट में। द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर एंड द टाउन काउंसिलर्स केम दैट वे, अगले सुबह जो है टाउन काउंसिलर और मेयर दोनों उस रास्ते से गुजरे। ओके, दे लुक्ड एट द स्टैच्यू, उन्होंने हैप्पी प्रिंस की स्टैच्यू को देखा एंड डिक्लेयर्ड दैट, और इस चीज को डिक्लेयर कर दिया कि हैप्पी प्रिंस वॉज नो लॉन्गर ब्यूटिफुल एंड यूजफुल। अब हैप्पी प्रिंस की जो मूर्ति है अब न तो खूबसूरत है और न ही यूजफुल है, उन्होंने कर दिया भाई बेकार है, अब इसको यहां से हटाओ, शहर की सुंदरता को खराब कर रहा है। देन दे मेल्टेड द स्टैच्यू इन द फर्नेस, फिर उस स्टैच्यू को ले जाकर हैप्पी प्रिंस की उस जीड़ सीड़ शरीर को ले जाकर के स्टैच्यू को ले जाकर के क्या किया गया, भट्टी में डाल दिया, उसको पिघलाने के लिए भट्टी में डाल दिया गया। बट द ब्रोकन हार्ट डिड नॉट मेल्ट, लेकिन जो दो टुकड़ों में टूट गया था हैप्पी प्रिंस का लेडन हार्ट वह जो है पिघला नहीं, इन द फर्नेस डिड नॉट मेल्ट एंड वॉज थ्रोन अवे। तो उन लोगों ने क्या किया, उसको ले जा करके बोले बेकार है, पिघल ही नहीं, उसको फेंक दिए, उसको क्या किए फेंक दिए। उसके बाद आप जान रहे हैं कि दोनों ने बहुत ही पाक काम किया, हैप्पी प्रिंस ने और स्वेलो ने, तो गॉड उनके साथ क्या न्याय करता है आइए देखते हैं। गॉड आस्क्ड वन ऑफ हिज एंजल्स टू ब्रिंग हिम द मोस्ट टू प्रीसियस थिंग इन द सिटी, माने शहर में जो सबसे बहुमूल्य दो चीज है कौन, लेडन हार्ट ऑफ हैप्पी प्रिंस और डेड बर्ड स्वेलो, उसको डेड स्वेलो ओके उसको मेरे पास ले आओ, ये शहर की सबसे खूबसूरत चीज है, ओके प्रेसियस थिंग है, सबसे बहुमूल्य चीज है। द एंजल ब्रॉट हिम द लेडन हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस एंड द डेड बर्ड, दोनों को ला करके जो है गॉड को हैंड ओवर कर दिया उस एंजल ने। गॉड टोल्ड दैट इन पैराडाइज द लिटिल बर्ड वुड सिंग फॉर एवर, जो लिटिल बर्ड है स्वेलो बर्ड है वह क्या करेगी, स्वर्ग के उद्यान में फॉर एवर सिंगिंग करती रहेगी, उसकी उसकी जो मीठी आवाज़ है वो हमको सुनाई देती रहेगी, उसकी गाने की जो मीठी आवाज़ है वो मेरे को सुनाई देती रहेगी, वह फॉर एवर पैराडाइज के पैराडाइज में जिंदा रहेगी, उसकी मधुर वाणी हर किसी को अट्रैक्ट करेगी। ओके एंड द हैप्पी प्रिंस वुड प्रेज हिम इन हिज सिटी ऑफ गोल्ड, और हैप्पी प्रिंस को मैं क्या करूँगा अपना जो है सिटी ऑफ गोल्ड दूंगा और वह वहीं पर रहेगा और मेरी हमेशा वो प्रशंसा करते रहेगा, क्योंकि उसका जो शरीर था बहुत ही बहुमूल्य था, उसने अपना सब कुछ त्याग दिया, उसके बदले मैं अपना सिटी ऑफ गोल्ड दूंगा और उसमें वो खुश रहेगा, हैप्पी रहेगा और मेरी प्रशंसा करते रहेगा, मेरा गुणगान करते रहेगा। आई थिंक फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसको ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।